इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान से ठीक दो दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। ट्रस्ट के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। अयोध्या से 600 किलोमीटर दूर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में राम मंदिर निर्माण से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शाहीनबाग का मुद्दा काफी गर्मा रहा है। बीजेपी, आप और कांग्रेस शाहीनबाग विरोध प्रदर्शन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीनबाग धरने में आने वाले लोगों की संख्या भी कम होने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही धरने पर बैठे लोग तो गुटों में बैठ गए थे। हालांकि कुछ देर बाद विवाद खत्म हो गया था। इसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है। शाहीनबाग में जहां पहले धरना स्थल प्रदर्शनकारियों से खचाखच भरा रहता था, अब वो खाली सा नजर आता है। टेंट के अंदर महिलाओं की मौजूदगी भी कम होने लगी है। दरअसल शाहीनबाग प्रदर्शन से मुस्लिम वोटर एकजुट हो गया था, तो वहीं अगर हिंदू वोटर एकजुट हो जाए तो बीजेपी को कभी फायदा मिलेगा। समय भारत की टीम ने दिल्ली के कई हिस्सों में सर्वे किया तो पता चला बीजेपी को 30 से 35 ही सीटें मिल सकती हैं। अब देखना यह होगा कि हिंदू वोटर एकजुट होकर मतदान करता है और बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। वीडियो रिपोर्ट, समय भारत।